हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ आर्यन और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में। आज मैं आपको जो टॉकबैक के मैंने एक फीचर छोड़ दिया था उसके बारे में बताने वाला हूँ, साथ ही साथ लुई वॉच स्क्रीन रीडर के बारे में भी बताने वाला हूँ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को लाइक करना मत ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ये तो वही वाली बात हो गई कोरोना। एनीवेज तो टेक न्यूज़ की बात कर लेते हैं। टेक न्यूज़ में कल भी नहीं डाली थी मैंने और फ्राइडे को भी नहीं और परसों मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी। क्यों आने वाली वीडियो के सोच रहा था क्यों आने वाली वीडियो के बारे में, बट कोई भी क्वेश्चंस नहीं आए थे। तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में पोस्ट ज़रूर करें, मैं आपको क्यों आने वाली वीडियो में उसके आंसर ज़रूर दूंगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन स्टार्टेड गेम्स से रिलेटेड तो वो नहीं होना चाहिए क्योंकि उनके गेम्स अब मैं उनके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, इसलिए खेलता नहीं हूँ। खेलता क्या, खेल ही नहीं सकता मैं। इसलिए अब स्टार्ट करते हैं। टॉकबैक का ये फीचर है, इसे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी टीम स्टोर बोलूँगा, फाइंड टीम स्टोर, टीम स्टोर कर सर गेम बोलूँगा, फाइंड गेम सेंटर देंगे। अब Find game center. Error recognizing voice command. Find game center. No matches on the screen. Game center. Teams. Game center. Find game center. No matches on the screen. Hit up loud. Double tap to activate. Teams door. Find hit up cloud. No matches on the screen. Show notification panel. Notification shade. Keyguard slider lid. Connected. Go back. System launcher. Install. तो इस तरह से बढ़िया फीचर है। अगर आप कमांड की लिस्ट देखना चाहते हैं तो आपको सिंपली बोलना हेल्प और ये आपको सारे कमांड्स की लिस्ट दिखा देगा। अब ये वाला दिखा दिया मैंने आपको, बढ़ते हैं अगले फीचर की तरफ जो है लुई वॉइस स्क्रीन रीडर। चलिए बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी, नहीं एक्सेसिबिलिटी लुई सेटिंग्स में जाना है आपको। लुई स्क्रीन रीडर पर टैप करना है। सिलेक्टेड, नहीं शुरू से दिखाता हूँ आपको। आप सबसे पहले लुई सेटिंग्स में जाएंगे। उसके बाद लुई सेटिंग्स में जाएंगे। लुई वॉइस कंट्रोल इज करंटली रनिंग विद लुई। लुई स्क्रीन रीडर वाला मैंने पहले चेक कर रखा है। एग्जिस्टिंग स्क्रीन को लुई स्क्रीन रीडर पे चेक कर रहे हैं और बैक आ जाना है। अब मैं सेटिंग ऑफ कर देता हूं। टॉप बैक ऑफ। अब मैं कुछ सारी चीजें दिखाने वाला हूं, कुछ चीजें नहीं दिखा पाऊंगा। स्क्रीन रीडर सेटिंग्स ड्यू टू स्क्रीन रिकॉर्डिंग वॉइस कंट्रोल इज करंटली रनिंग। स्क्रीन रीडर सेटिंग्स नेविगेट फर्स्ट आइटम सीजन बट वन और टू फिंगर मोड, टू फिंगर मोड इज करंटली सिलेक्टेड। डबल टैप टू एक्टिवेट। ये वन और टू फिंगर मोड है। वन फिंगर मोड में तो आप एक उंगली से करेंगे सिर्फ। कस्टमाइजेबल जेस्चर्स नाउ नॉट ओनली सेट कस्टमाइज्ड जेस्चर्स बट आल्सो डू थिंग्स बोलना चाहिए। और वैसे इसे नॉर्मल फोन की तरह यूज करना चाहते हैं तो आप कर पाओगे, इसमें कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। बट मेरे को आई प्रेफर द टू फिंगर मोड क्योंकि इसमें डबल टैप करना होता है और किसी चीज को लॉन्ग प्रेस करने के लिए दोस्तों टॉकबैक में डबल टैप करना पड़ता है। इसमें आपको सिंगल टैप करके लॉन्ग प्रेस करना होता है, वो हो जाता है लॉन्ग प्रेस। तो ये टॉकबैक से थोड़ा सा इसमें फर्क है, बाकी इसके जेस्चर्स में भी बहुत फर्क है। अनाउंस कॉलर डिटेल्स फॉर इंक। कस्टमाइजेबल जेस्चर्स नाउ नॉट ओनली सेट कस्टमाइज्ड जेस्चर्स बट आल्सो डू थिंग्स दैट आर ट्रूली अमेजिंग। नेविगेट अप बटन, डबल टैप टू एक्टिवेट। तबीयत खराब है बट फिर मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आप प्लीज सब्सक्राइब करते जाइए, वीडियो देखते जाइए, लाइक जरूर करिए। कस्टमाइज शॉर्टकट जेस्चर्स, देखिए अब मैं आपको सारे जेस्चर्स दिखाता हूं। स्वाइप अप देन डाउन कॉपी लास्ट यूटरेंस, डबल टैप टू एक्टिवेट। कॉपी लास्ट यूटरेंस मतलब जो भी इसने बोला होगा वो कॉपी हो जाएगा। स्वाइप डाउन देन अप पेस्ट, डबल टैप टू एक्टिवेट। फिर जाइए और स्वाइप डाउन देन अप कीजिए, पेस्ट हो जाएगा।
Swipe left then right unassigned double tap left, to activate. Then right से कुछ नहीं होगा अभी कर नहीं सकता इसे कस्टमाइज कर सकते हैं दोस्तों. Swipe right then left play and pause music ये double tap to activate. बहुत बढ़िया फीचर है. Swipe left unassigned radio button check double tap to talk copy last utterance paste repeat last utterance spell last utterance play and pause music continuous reading from next item radio button open MUI settings radio open accessibility settings open contacts radio increase speech rate radio decrease speech rate dim screen curtain on off ringer mode normal vibe wi-fi on off enable disable Bluetooth on off enabled speak time and battery open MUI text open app in open recent app back button home button open quick settings open note stop teach auto screenshot radio button select all can last item देखिए दोस्तों हमने देख लिए होंगे सुन लिए होंगे सारे ऑप्शंस चलिए अब मैं आपको इसके सबसे बढ़िया फीचर की तरफ ले चलता हूं तो वाईफाई म्यूजिक वाले तो ब्रोकन है फीचर Navigator, first ये item. Android 11 में ऐसा नहीं है मतलब 10 में कि आप मतलब उसे वाईफाई को किसी और ऐप से नहीं कर सकते वाईफाई को आपको वाईफाई से ही ऑन करना होगा कोई ऐप ऑटोमेटिकली किसी जेस्टर्स की मदद से आपका वाईफाई नहीं ऑन कर सकता कस्टमाइजेबल जेस्टर्स फीचर की तरफ चल लेते हैं दोस्तों गेम थीम स्टोर डबल टैप टू एक्टिवेट टैप एंड होल्ड टू लॉन्ग प्रेस सैटरडे की नहीं आ पाई थी दिल्ली की के टैप क्लाउड डबल टैप टैक सर्च सर्च वन एयर टू मेरे टाइम पे पॉट ब्लाइंड बने रहे ब्राउज कैलकुलेट ब्लिंडी मैच ये गेम है इसके ऊपर भी वीडियो आने वाली है बहुत मस्त गेम है क्रोम जो मैं इसे रोज खेलता हूं Web view. Progress bar 22%. Progress bar 22%. Progress bar 22%. Fear. The game of running. Three open. Blind. Three more options. Button. Forward. Button. Page info. Button. Double. Refresh. New tab. New. Hit. Downloads. Double. Downloads. Controls default my files explore all 3 2 on electronomia sky high options electronomia button double tap to activate तो इस तरह से आप इस वाले फीचर को यूज कर सकते हैं काफी यूजफुल फीचर है अगर आप म्यूजिक बार में पॉज बटन तक नहीं पहुंचना चाहते क्योंकि जैसे ही यूज कीजिए म्यूजिक पॉज हो जाएगा चलिए दोस्तों आज की वीडियो में था इतना क्रोम हैज वन नोटिफिकेशन टैप टू स्टॉप डबल टैप टू एक्टिवेट तब तक के लिए गुड बाय